रोहतक से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुरजेवाला के बयान पर सियासत बढ़ गई है। सुरजेवाला के बयान पर सियासत बढ़ गई है। जेजेपी ने सुरजेवाला के नाम भेजा है लीगल नोटिस। नोटिस का जवाब देंगे भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस नेताओं को नसीहत। कांग्रेस नेता शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। सुरजेवाला के बयान पर सियासत जो है वो बढ़ गई है। सुरजेवाला ने जो बयान दिया था उस पर सियासत अब बढ़ गई है। जेजेपी ने सुरजेवाला के नाम पर लीगल नोटिस भेज दिया है। अब इस लीगल नोटिस का जवाब जो है वो देना होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि लीगल नोटिस का जवाब देंगे हम। प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस नेताओं को नसीहत। कांग्रेस नेता शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, कुछ भी अनर्गल बयानबाजी ना करें। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जो भी बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे, एक एक बयान नोटिस होगा और इसीलिए सोच समझकर बयान दें। अब इस बीच सुरजेवाला के बयान पर सियासत बढ़ी हुई है। जेजेपी ने सुरजेवाला को लीगल नोटिस भेज दिया है, तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी कह दिया है कि लीगल नोटिस का जवाब हम देंगे। तो लीगल नोटिस का जवाब अब कांग्रेस को देना होगा। देखिए, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से राहुल गांधी के बयान पर भी बवाल जो है वो इतना बढ़ गया था कि बात कोर्ट तक चली गई। और अब सुरजेवाला का जो बयान सामने आया है उस पर सियासत तेज हो गई है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया था कि बीजेपी और बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसके साथ ही गठबंधन पर, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर भी सुरजेवाला ने निशाना साधा था, जिसके तहत नोटिस जो है, लीगल नोटिस सुरजेवाला के नाम भेजा गया है। अब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हम, यानी कि कांग्रेस पार्टी, इस नोटिस का जवाब देगी। तो इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने नेताओं को नसीहत दे दी है कि अपनी शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें, कुछ भी अनर्गल बयानबाजी ना करें। तो है हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूँ मैं, हरियाणा का रहा हूँ। जेजेपी की तरफ से मेरे सारा हरियाणा, सारा देश एक है। सर, जेजेपी की तरफ से एक लीगल नोटिस दिया गया है सुरजेवाला के खिलाफ, जवाब दे दे। कोई भी जो वरिष्ठ नेता है उनको अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए और शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ का जो अतीत है वो अंग्रेजों के प्रति था। वो उन्होंने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में उनकी